हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास 11th, चैप्टर 13, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. एंड द टॉपिक वील टूडे डिस्कस इज लाइट रिएक्शन एंड हीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. आई एम मनीषा वर्मा, लेक्चर इन बायोलॉजी, जीएमएसएसएस आनी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश. सो फोटोसिंथेसिस में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बात की थी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो टू स्टेप्स में कम्प्लीट होता है, दैट इज लाइट रिएक्शन. फर्स्ट जो स्टेप रहेगा दैट इज लाइट रिएक्शन, और इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं, विच इंक्लूड्स लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. तो फर्स्ट फेज जो लाइट रिएक्शन रहता है, जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, उसमें सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर वाटर की स्प्लिटिंग होगी. जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि वाटर के स्प्लिट होने से जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन का रिलीज होगा और रिड्यूसिंग पावर जनरेट होगी, दैट इज एटीपी एंड एनएडीपीएच. जो और ये जो रिएक्शन है वो होगा थाइलेकोइड में. सेकंड स्टेप जो होता है दैट इज थर्मोकेमिकल फेज, या उसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, इट विल अकर इन स्ट्रोमा. और यहाँ पे वो जो रिड्यूसिंग पावर लाइट रिएक्शन में जनरेट हुई है वो यूज होगी टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. तो लाइट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे एंड कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो लाइट रिएक्शन में जो हम बात कर रहे हैं कि एटीपी की फॉर्मेशन होगी, जनरेशन होगी, और एनएडीपीएच की जनरेशन होगी, तो वो किस तरह से होगी, उसके क्या पाथवेज हैं, दे आर नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक, हम एक एक करके उनकी बात करेंगे. तो कैसे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस तरह से एनर्जी जो है वहां पे जनरेट होगी, ये हम आज पढ़ेंगे. तो दोनों ही जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें जो है हमारे पास फोटोसिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं. फोटोसिस्टम PS1 एंड PS2, जिनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं. तो ये फोटोसिस्टम जो है, दीज आर सिस्टम्स और कम्प्लेक्सेस ऑफ पिगमेंट्स. तो जिसमें जो है एक रिएक्शन सेंटर होता है, जो हमारे पास जनरली क्लोरोफिल ए होता है, हमने इसकी बात की थी, और साथ में होती है असेसरी पिगमेंट्स जो कि जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी एटसेट्रा. तो ये सारी पिगमेंट्स जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं. तो किस तरह से लाइट एब्जॉर्ब होगी और किस तरह से फर्दर जो है वो इवेंट्स होंगे, वो हम आज इधर डिस्कस करेंगे. तो PS1 और PS2 आपको अब पता है कि रिएक्शन सेंटर्स जो है वो किस बेसिस पर हैं. एक में क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है, इट इज P680, और दूसरा है P700. तो जो फोटो सिस्टम है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ईच अदर बाय कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो अब होगा क्या, जैसे ही सनलाइट फॉल करेगी, जो रिएक्शन सेंटर्स हैं हमारे, अब चाहे PS1 का है चाहे PS2 का है, वो एक्साइटेड हो जाते हैं, दे विल एक्सूड इलेक्ट्रॉन्स. तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो है वहाँ पर डोनेशन और एक्सेप्शन जो एक्सेप्ट होगा, उस वजह से क्या होगा, एनर्जी वहाँ पर जनरेट होगी. तो जो हमारे पास नॉन साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, उसमें दोनों फोटोसिस्टम हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, PS2 एज वेल एज PS1. और जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रहेगा, इट इन्वॉल्व्स ओनली PS1. तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे की, या इसे हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं. मीन्स नॉन साइक्लिक हम इसे क्यों कहते हैं, ये आपको अभी थोड़े टाइम में पता चलेगा. तो दूसरे जो हमारे पास बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स टू जनरेट एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इज लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन इज जनरेशन ऑफ एटीपी. तो देखते हैं ये इवेंट कैसे होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज द लाइट एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इज अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड असेसरी पिगमेंट्स ऑफ PS2. सो दिस इज फोटोसिस्टम 2. ये इसका जो है सारा जो सिस्टम है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स है इसका. यहाँ पे दिस इज द रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, जो PS2 होता है, उसमें जो क्लोरोफिल ए होता है, इट इज 680, मीन्स इट एब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर्स. दीज पिगमेंट ट्रांसफर देयर अब्सॉर्ब्ड एनर्जी टू PS2, और साथ में जो लाइट एनर्जी है, ये असेसरी पिगमेंट्स भी लाइट अब्सॉर्ब करेंगी, रिएक्शन सेंटर भी लाइट अब्सॉर्ब करेगा. तो इस तरह से फोटोन जो है वो लाइट के वो अब्सॉर्ब करेंगे. उसके बाद क्या होगा, तो जैसे ही रिएक्शन सेंटर जो है वो एक्साइट हुआ, वहाँ से क्या होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्यूड होगा, क्योंकि अब एनर्जी मिली है उसे. तो कितनी एनर्जी चाहिए एक पेयर के लिए, 23 किलो कैलोरी पर मोल. ये एनर्जी जो है, अब पेयर जो इलेक्ट्रॉन का एक्स्यूड हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इट विल बी टेकन बाय फियोफाइटिन. जब ये
पेयर फियोफाइटिन ने लिया तो फियोफाइटिन हो गया रिड्यूस। अब फियोफाइटिन जो है इसे ट्रांसफ़र करेगा प्लास्टोक्विनोन को, तो अब जो है प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो गया, फियोफाइटिन हो गया ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे आगे भी कि हमारे पास एक चेन बनती जाएगी। तो अब जो है ये जो 6-8 जो सेंटर है हमारे पास, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्यूड होते जा रहे हैं, तो हमें अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि P680 भी जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है वो चलता रहे, वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाए। तो ये हम देखेंगे आगे कि किस तरह से जो है जो स्टेशन सेंटर है उस पे इलेक्ट्रॉन्स की रिप्लेनिशमेंट जो है हमारे पास होती है। तो रिप्लेनिशमेंट होती है वाटर से, जो वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी उससे रिप्लेनिशमेंट होगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो सेंटर है जो रिएक्शन सेंटर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो एक्स्यूड होता जा रहा है और ये प्लास्टोक्विनोन ने एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को। फिर आगे जो है ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास चला जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो रही है। तो कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, एक जो है हमारे पास डोनर एक्ट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्टर एक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा जो है वो एज अ डोनर एक्ट कर रहा है, फिर अगला जो है एज अ एक्सेप्टर ऐड कर रहा है। तो एक जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, लगातार जो है इलेक्ट्रॉन इस सेंटर से जो है एक्साइट हो रहे हैं रिएक्शन सेंटर से। तो हो सकता है कि रिएक्शन सेंटर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बचे ही ना, तो अब रिएक्शन सेंटर में जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टोर है वो रिप्लेनिश कौन करेगा, तो वो रिप्लेनिश होंगे वाटर की स्प्लिटिंग से। जो H2O की स्प्लिटिंग हो रही है, तो हमारे पास जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर उसको बोलते हैं, वाटर की स्प्लिटिंग को हम कहेंगे फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स लोकेटेड इन द ल्यूमन साइड ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकोइड अब हमें पता है क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है स्टैक्स होते हैं, राउंड सर्कल जो सब होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको उसे कहते हैं थाइलाकोइड। तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहां पर लोकेटेड होते हैं दिस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कम्प्लेक्स, या कहें वाटर स्प्लिटिंग कम्प्लेक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्लिटिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ऐसा कहा जाता है कि वाटर ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो वाटर को यहाँ पर ब्रेक करता है। तो वाटर किस तरह से यहाँ ब्रेक होगा, मैंगनीज आयन की प्रेजेंस में वाटर हेयर स्प्लिट्स इंटू टू एच पॉजिटिव, टू प्रोटोन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ ओ टू। हाफ ओ टू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम सिंगल ओ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास दिस सिंगल ओ, इट इज़ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का चाहिए तो हमें चाहिए टू वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर टू वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं स्प्लिट करेंगे तब एक पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बन रहे हैं, ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है P680 पे जा रहे हैं, ताकि यहाँ से, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, बार बार लाइट जब पड़ रही है तो लाइट जब एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्स्यूड हो रहे हैं। तो रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन से खाली ना हो जाए इसका रिप्लेनिशमेंट कौन कर रहा है, वाटर के इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ओ, जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वायर्स ब्रेक डाउन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो ये चाहिए टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विच विल रिलीज 4 हाइड्रोजन प्रोटोन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम वाटर आर इमीजिएटली एक्सेप्टेड बाय ऑक्सीडाइज रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2। क्योंकि PS2 तो अपने इलेक्ट्रॉन जो है लगातार भेज रहा है, इसलिए ये जो इमीजिएटली उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट जो है वो कर लेता है। इट इज बिलीव दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय PS2 रिएक्शन सेंटर थ्रू एन अननोन सब्सटेंस जेड, मे बी टायरोसिन। तो अब और जो ये जो हाइड्रोजन आइंस यहाँ पे बन रहे हैं, ये अभी कहाँ रहेंगे, ये अभी थाइलाकोइड स्पेस में, लोक्यूल में ही रहेंगे। फिर उसके बाद जो PS2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था दैट इज प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के बाद ये पेयर जो इलेक्ट्रॉन का है ये गया साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास,
दिस इज साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, इसके पास गया तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, एवरी टाइम जो इलेक्ट्रॉन डोनर टू एक्सेप्टर को पास कर रहा है तो डोनर जो है वो रिड्यूस, जो डोनर था वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक्सेप्टर जो है वो रिड्यूस हो रहा है. द रिड्यूस्ड प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर्स इस इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स विच फाइनली ट्रांसफर्स टू प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा वो है प्लास्टोसाइनिन. तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वो यहाँ से क्या हो रहा है, पहले वो यहाँ से अप हिल चला गया एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन पेयर, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन हिल आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर वो एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रहा है. जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पहुँचता है तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज करता है. जो एनर्जी वो यहाँ रिलीज करता है वो एनर्जी यूज होती है ADP और फॉस्फेट को मिलाने में, जिससे बनता है ATP. तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के पास, जहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी के हेल्प से एक जो है ADP प्लस फॉस्फेट मिले और बन गया ATP. साथ ही साथ यहाँ पर साइटोक्रोम क्या करता है, एक पेयर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो लोक्यूल के अंदर जो है वो पंप कर लेता है. ATP भी बना तो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स जो है इसने क्या काम किया, एक तो ATP फॉर्मेशन यहाँ हुआ, किससे, जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज हुई, और दूसरा इसने क्या किया, जो स्ट्रोमा से प्रोटॉन का पेयर पंप किया इनटू द थाइलेकोइड ल्यूमेन या लोक्यूल में, इन्होंने जो है प्रोटॉन्स को पंप किया. इन प्रोटॉन्स का क्या होगा ये हम आगे देखेंगे. तो इस तरह से जो हमारे पास साइमल्टेनियसली द पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑफ PS1 कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड ट्रांसफर देयर एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन टू PS1 रिएक्शन सेंटर P700. P700 गेट्स एक्साइटेड एंड एक्सुड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर विच गोज टू रिड्यूस एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए. द ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 टेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्लास्टोसाइनिन एंड कम्स टू ग्राउंड स्टेट. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ से चला था हमारा पहले से, वो अब साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स से चला गया प्लास्टोसाइनिन के पास. अब प्लास्टोसाइनिन उस इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा फोटोसिस्टम वन के रिएक्शन सेंटर को. इसके साथ साथ फोटोसिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर भी क्या करता है, साइमल्टेनियसली लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. जैसे ही वो इसे एब्जॉर्ब करेगा वो फोटो एक्साइट हो जाएगा और उससे जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्यूड हो जाएगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्स्यूड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए होता है विच इज नोन टू बी मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए फाइलोक्विनोन, ये जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अब एक्सेप्ट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम P700 एक्सेप्टेड बाय एन एक्सेप्टर ए, जो मैंने आपको बताया. फिर उसके बाद ये एक्सेप्टर ए जो है वो उस पेयर को ट्रांसफर करेगा एक आयरन सल्फर प्रोटीन को जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन. अब फेरोडॉक्सिन के पास, अब जो हमारे पास फाइलोक्विनोन अब क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइज और फेरोडॉक्सिन हो गया रिड्यूस. अब फेरोडॉक्सिन फर्दर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा NADP को. तो NADP क्या है हमारे पास, निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इट इज अ एनर्जी रिच कंपाउंड. इसको जो है फेरोडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा. अब हमारे पास ATP तो हमें पता चल गया कहाँ बन रहा है, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स के पास बन रहा है. अब हमें बनाना रह गया NADPH2. तब NADPH2 कहाँ बनेगा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया NADPH2 बनेगा जब फेरेडॉक्सिन NADP को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा. इसके साथ ही NADP क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स जो है ये 2H पॉजिटिव, ये कहाँ से लेगा, इट विल टेक देम फ्रॉम द स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में वहाँ से ये H पॉजिटिव लेगा और 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इट विल कंबाइन टू फॉर्म NADPH2 इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम NADP रिडक्टेज. फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ये जो है थाइलेकोइड ल्यूमेन के आउटर बॉर्डर पे जो है सिचुएटेड होता है ये एंजाइम NADP रिडक्टेज. तो इसने NADP की फॉर्मेशन में हेल्प की, कैसे, बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फेरोडॉक्सिन एंड 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा. तो इस तरह से NADPH2 की फॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ हो गई. तो ये हमारे पास हो गया
जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे, तो इसमें हमने देख लिया किस तरह से जो है हमारे पास कंपोनेंट्स बने। सो नेक्स्ट इज द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। अब नॉन साइक्लिक जो है हमने कर लिया, और दूसरा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो साइक्लिक जो टर्म है वो क्यों हमने यूज़ किया और नॉन साइक्लिक क्यों यूज़ की, ये अभी हमें क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे जो है एक मेजर पाथवे नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फोटोफॉस्फोराइलेशन का। तो जो हमारे पास नॉन साइक्लिक पाथवे है, इट इज़ द मेजर पाथवे ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में जो डिफरेंस है नॉन साइक्लिक के कंपैरिजन में, वो ये है कि यहाँ पर ना ही एनएडीपीएच की टू की फॉर्मेशन होती है, ना ही यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होता है। और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, PS2 इज नॉट इन्वॉल्व। जबकि नॉन साइक्लिक में हमने देखा दोनों चीज़ें इन्वॉल्व थी, वहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही थी, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी हो रहा था। तो मेजर जो पाथवे रहता है दैट इज द नॉन साइक्लिक वन। जो 15-20% जो है जो होता है, दैट इज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो ये तब होता है जब एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो इट इज़ नीडेड, मोर एटीपी प्रोडक्शन इज नीडेड एंड देर इज नो नीड ऑफ एडिशनल NADPH2, तब जो है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे होता है। और इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेले जो हमने देखे थे थाइलाकॉइड्स, और उसके साथ हमने चैनल देखे थे मेम्ब्रेनस लंबे से, दैट इज स्ट्रोमा लैमेले, वहाँ पर ये जनरली होता है प्रेडोमिनेंटली। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे कैसे बिगिन होता है, वैसे ही जैसे PS1 पिगमेंट कम्प्लेक्स जो है वो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब करता है, सबसे पहले एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट अब्जॉर्ब करती हैं, दे पास देयर एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल। इस तरह से जो पिगमेंट ट्रांसफ़र करती हैं अपनी एनर्जी PS1 सेंटर को, तो उसी तरह से PS1 सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्यूड होता है एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय अ प्राइमरी एक्सेप्टर, दैट इज़ ए। और उस प्राइमरी एक्सेप्टर ए से जो है फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होता है फेरेडॉक्सिन को। तो इस तरह से जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले एक्सोइड हुए, ये चले गए प्राइमरी एक्सेप्टर पे, तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर हो गया ऑक्सीडाइज और प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया रिड्यूस। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर ए से इलेक्ट्रॉन्स का पेयर गया फेरिडॉक्सिन को, अब प्राइमरी एक्सेप्टर हो गया ऑक्सीडाइज, फेरिडॉक्सिन हो गया रिड्यूस। तो इस तरह से जो है चेन चलती है। फिर फेरिडॉक्सिन से जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को, तो अब फेरिडॉक्सिन ऑक्सीडाइज हो गया, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो रिड्यूस हो गया। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो है वो यहाँ पर जनरेट होते हैं। जब साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है रिमूव कर रहा होता है, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन पेयर एनर्जी रिलीज करता है जिसकी हेल्प से यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर जो हमने पहले देखा था जो NADPH की फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो स्ट्रोमा लैमेली होते हैं उनमें NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता, इसलिए NADPH की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती। और इसके बाद जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन पेयर जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से वापस ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला जाता है रिएक्शन सेंटर के पास PS1 के पास। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा, साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जहाँ से ओरिजिन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, ये वापस इलेक्ट्रॉन्स घूम करके जो है वहीं पर पहुँच गए। जबकि नॉन साइक्लिक वन में क्या हो रहा था, PS2 से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होकर के PS1 के पास आ रहे थे, फिर फेरिडॉक्सिन के पास जा रहे थे, फिर NADP रिडक्टेज की एंजाइम से हेल्प से NADPH बन रहा था। तो वहाँ पर जो एक नॉन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था, और वहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर है उसका इलेक्ट्रॉन को कौन रिप्लेनिश कर रहा था, वाटर। लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है, प्लास्टोसाइनिन वापस जो इलेक्ट्रॉन जो है घूम करके वहीं वापस आ रहे हैं। तो इसीलिए इसके कहा साइक्लिक और उसे कहा नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है हमारे पास किमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब हमने यहाँ पे देखा नॉन साइक्लिक में देखा हमने कि प्रोटॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे, प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से अंदर पंप हो रहे थे, तो उस सब का इवेंचुअली होना क्या है। तो किमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वो सब एक्सप्लेन करेगी कि जो प्रोटॉन्स थे वो यूज़ कहाँ होने हैं।
तो फोटोसिंथेटिक फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर इनटू एडीपी टू सिंथेसाइज एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल मेकिंग यूज ऑफ लाइट एज एक्सटर्नल एनर्जी. द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन फोटोसिंथेसिस हैज बीन एक्सप्लेन बाय मिशेल इन 1961. तो उसे कहा कि मियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. तो ये हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट अक्रॉस थायलेकोइड मेम्ब्रेन. तो क्या कहता है कि जो एटीपी सिंथेसिस जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान वो क्यों होती है कि थायलेकोइड लुमेन होता है और स्ट्रोमा जो होता है उनके बीच में एक प्रोटोन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो जाता है. ग्रेडियंट हम कब बोलते हैं, जब किसी मेम्ब्रेन के दोनों जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स उन पे जो है कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाए किसी सब्सटेंस की, तब हम उसे बोलते हैं ग्रेडियंट. तो प्रोटोन ग्रेडियंट मीन्स देर इज डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन्स एच पॉजिटिव आइंस. तो किस तरह से यहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन होगी देखते हैं. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन प्रोटॉन्स एक्युमुलेट इन द थायलेकोइड स्पेस. ये किस तरह होगा, जैसे हमारे पास यहाँ हम देख रहे थे, ये एक ब्रीफ में आपको बताया गया है, दिस इज द थायलेकोइड मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये है लुमेन या लोक्यूल जिसको बोलते हैं. तो यहाँ पर फोटोसिस्टम टू है, ये फोटोसिस्टम वन है. तो ये जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो रहा है. तो यहाँ पे हमने देखा था वाटर जब स्प्लिट हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन तो जा रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन की इवोल्यूशन हो रही थी. तो ऑक्सीजन के वन मॉलिक्यूल को हाफ ओ2 की तरह भी हम लिख देते हैं. तो O2 बन रही थी, O2 तो डिफ्यूज होके बाहर आ रही थी. अब जो प्रोटॉन्स थे यहाँ पे, जो पेयर ऑफ प्रोटॉन्स जनरेट हो रहा था वो पेयर ल्यूमेन के अंदर ही रह रहा था, तो दिस इज स्ट्रोमा. तो इस तरह से एक सोर्स तो प्रोटॉन्स का हमारे पास ये आ गया. फिर हमने दूसरी बात आपको बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही थी तो साइटोक्रोम के लेवल पर जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज की थी, मैंने आपको बताया था वहां पर एटीपी की फॉर्मेशन हुई थी. एटीपी की फॉर्मेशन जब वहां पे हुई हमने देखा तो साथ में साइटोक्रोम जो है मैंने कहा था इट एक्ट एज अ प्रोटोन ट्रांसपोर्टर. तो इसने क्या किया था, स्ट्रोमा से प्रोटोन का पेयर पंप किया था इनटू द ल्यूमेन. तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, जो हमारे पास ल्यूमेन की प्रोटोन कंसंट्रेशन को ये बढ़ा रही थी. तो इस तरह से ल्यूमेन में प्रोटोन कंसंट्रेशन हाई हो गई. अब बाहर जो है प्रोटोन की कंसंट्रेशन कम हुई. क्यों कम हुई, एक तो यहाँ से प्रोटोन्स पंप हो रहे थे, दूसरा जो एच पॉजिटिव आइंस थे वो यूज हो रहे थे NADPH2 की फॉर्मेशन में. टू इलेक्ट्रॉन्स जो है ETC से आए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आए थे, दो प्रोटॉन स्ट्रोमा से यूज हो रहे थे NADPH2 बनाने में. तो एज अ रिजल्ट बाहर जो है प्रोटॉन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो गई. तो इसका मतलब प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम तो pH हाई हो गई, यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हुए मीन्स तो एसिडिटी हो गई, pH लो हो गई. अब यहाँ पे मैंने कहा था जब किसी मेम्ब्रेन के दोनों छोरों पर दोनों साइड्स पर जो है किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश हो गया. तो यहाँ पर प्रोटॉन्स की होगी हाई कंसंट्रेशन और बाहर होगी लो कंसंट्रेशन. अब ये प्रोटॉन जो है इन्होंने बाहर आना है ताकि कंसंट्रेशन जो है वो इक्वलाइज हो जाए. तो अब ये बाहर कैसे आएंगे, तो बाहर आने के लिए जो है ये बाहर जो है इस तरह से नहीं आ सकते, मेम्ब्रेन जो है किसी भी यहाँ से किसी साइड से नहीं आ सकते. मेम्ब्रेन से बाहर लुमेन से बाहर आने के लिए ये आते हैं सिर्फ इस फैक्टर के थ्रू. इस ये जो हमारे पास है दिस इज द पार्टिकल F0 F1 पार्टिकल इसे कहते हैं. तो इसके दो कपलिंग फैक्टर भी इसे बोल देते हैं. तो यहाँ पर CF जो है इट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, प्रोटीन होती है ये. तो दिस इज द CF फैक्टर 0, दिस इज द CF फैक्टर 1. अब ये प्रोटॉन्स जो है वो इस चैनल के थ्रू ही सिर्फ बाहर आ सकते हैं. अब यहाँ पर जो F1 ये जो पार्टिकल है इट एक्ट एज ATP सिंथेज. ATP सिंथेज मीन्स इट एक्ट एज अ एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP. तो अब जो है प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन यहाँ थी हाई, ये बाहर आने की कोशिश अब कर रहे हैं तो बाहर इसके थ्रू आएंगे. तो एवरी 3 प्रोटॉन्स जो पंप होते हैं बाहर, 3 प्रोटॉन से एक ATP बनता है. तो 3 प्रोटॉन जब बाहर पंप होंगे तो एक मॉलिक्यूल ATP का बनेगा.
तो दिस इज द कीमियोस्मोटिक हाइपोथिसिस, जो हमारे पास तीन प्रोटोन, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी इज फॉर्म फ्रॉम एवरी थ्री प्रोटोन्स पासिंग थ्रू द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स. तो दिस इज द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ एफ जीरो पार्टिकल एंड एफ वन पार्टिकल. और यहाँ से जब तीन प्रोटोन बाहर पंप होंगे, एटीपी सिंथेज एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर एटीपी जो है वो बनेगी. तो इस तरह से दिस इज द कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, इस तरह से एक्सप्लेन हो गया कि एटीपी जो है वो एनर्जी जो है वो किस तरह से लाइट रिएक्शन में बनती है. तो दिस एसिमिलेटरी पावर, तो एसिमिलेटरी पावर हम किसको बोलते हैं, जो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है लाइट रिएक्शन में, विच इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डार्क रिएक्शन, उसे कहते हैं एसिमिलेटरी पावर. तो लाइट रिएक्शन का जो बेसिक हमारे पास क्या था स्टेप, कि जनरेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, वो हमने देख लिया कि वो कहाँ कहाँ पर कैसे बनता है. तो अब लास्ट में जो एक कंपैरिजन हम ड्रॉ कर लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक के बीच में, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. तो नॉन साइक्लिक, जैसे सबसे बड़ा स्टेप तो यही कि यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ से चलते हैं वो वहीं वापस नहीं आते, तो इस तरह से इसको सबसे पहले नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, और इसे जेड स्कीम भी बोलते हैं. तो अगर हम यहाँ से इसे देखें तो इट अपीयर्स लाइक जेड, इसलिए हमें जेड स्कीम ऑफ बी से कहते हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ, एनर्जी आई, फोटोसिस्टम पे फॉल किया, एक्सेसरी पिगमेंट्स ने एनर्जी को, फोटोन की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया, रिएक्शन सेंटर को दिया, रिएक्शन सेंटर से एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सियूड हुआ तो उसे एक्सेप्ट किया प्लास्टोक्विनोन ने. प्लास्टोक्विनोन अब जो है रिएक्शन सेंटर हमारा ऑक्सीडाइज हो गया और प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो गया. फिर प्लास्टोक्विनोन ने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए साइटोक्रोम को, साइटोक्रोम ने किया प्लास्टोसाइनिन को. तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो जब साइटोक्रोम लेवल पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज की, उस एनर्जी के रिलीज से एटीपी की फॉर्मेशन हुई, साथ में एक प्रोटोन पेयर जो है वो पंप हुआ इनटू द लुमेन जो हमने अभी देखा. अब प्लास्टोसाइनिन जो है फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगी, फोटोसिस्टम वन के रिएक्शन सेंटर को. फोटोसिस्टम वन का रिएक्शन सेंटर जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, उसने टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड किए, उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए ने, फाइलोक्विनोन ने, फिर उसके बाद किए फेरिडॉक्सिन ने, और फेरिडॉक्सिन ने टू इलेक्ट्रॉन्स दिए जो हमारे पास एनएडीपी को, और एनएडीपी ने टू प्रोटॉन्स जो है वो कहाँ से लिए, स्ट्रोमा से. तो इस तरह बन गया NADPH2 हमारे पास. तो साइक्लिक में हमने देखा कि इसे साइक्लिक क्यों कहा, रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन चले और वहीं पर वापस आ गए थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो अब जो है यहाँ पर नॉन साइक्लिक में NADPH2 की फॉर्मेशन होती है, साइक्लिक में नहीं होती है. और यहाँ पर जो है वाटर स्प्लिट होता है, यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर है उसकी रिप्लेनिशमेंट इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ से हो रही थी, वाटर की स्प्लिटिंग से. साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, और ये हमारे पास मेन जो है वो डिफरेंसेस हैं इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या फोटोफॉस्फोराइलेशन. फिर हमने ये भी देखा जो प्रोटॉन्स यहाँ पर बने, प्रोड्यूस हुए, पंप हुए, उनका क्या हुआ, उनकी हुई कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू हमने देखा कि कैसे एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन्स जब पास आउट हुए तो वहाँ पर क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ. दिस वॉज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन. एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी हाउ दिस एसिमिलेटरी पावर एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज इन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. मीनवाइल यू हैव अ लुक एट द कंपैरिजन बिटवीन दिस नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि इनमें कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यूज हुए हैं और किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक में उसी सेंटर पे वापस आ रहे हैं जहाँ से ये एक्सियूड हुए थे, और नॉन साइक्लिक में जो है एक जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की आप देख सकते हैं. तो जो हमारे पास कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस इसके बाद जो है वो एक्सप्लेन करती है हाउ द
that ATP formation take place with help of ATPase enzyme जो कि thylakoid lumen के ऊपर जो है वो उस तरह से situated होता है।